जय मां विन्द वाचिनी हर हर महादेव आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार आपके अपने Facebook पेज पे घर में हम लोग जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो एक लंबी बाती का प्रयोग करते हैं दूसरा गोल बाती जो खड़ा बाती बोलते हैं उसका प्रयोग करते हैं तो आखिर में हमें नियमित रूप से किस प्रकार की बाती का प्रयोग करना चाहिए गोल बाती का यह प्रयोग करना चाहिए या लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए देखिए सामान्यतः जो है नित्य पूजन में हमें यह लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए और वो भी जोड़े में यानी दो लंबी बाती के लिए इसके विषय को हम पहले बना करके दिखा चुके हैं वीडियो में कि कैसे हमें दो बाती को एक साथ में प्रज्वलित करना चाहिए लंबी बाती का प्रयोग हमें सदैव नित्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आयु आरोग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अपने इष्ट आराध्य की कृपा के लिए मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं सामान्यतः जो है जब इस तरीके की खड़ी बाती का जब हम प्रयोग करते हैं जो गोल वाली बाती होती है तो उसको भी इस तरीके से डबल कर लेना चाहिए उसमें कालावा लपेट करके और इसका प्रयोग हम कब करते हैं ये गोल बाती का प्रयोग करते हैं कब जब हम किसी मंत्र का प्रयोग कर रहे हो संकल्प में हम यह ले रहे हों कि हम इस मंत्र का जब जो सिद्धि पहले का कर चुके हैं या किसी स्त्रोत स्तुति का सिद्धि पहले कर चुके हैं तो अब उसका हम प्रयोग कर रहे हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि हम इतना पाठ करेंगे इससे मुझे ये फल प्राप्त हो किसी का रोग नाश हो किसी कोई शत्रु का नाश हो कोई अभिचार किया है उसको रोकना हो तब हम जो है खड़ी बाती का प्रयोग करेंगे खड़ी बाती का अर्थ ये हो गया कि जो भी देवी देवता होंगे उनका स्वरूप अब उग्र हो जाएगा सामान्यतः किसी उग्र शक्ति की पूजा में हमें खड़ी बाती का प्रयोग करना चाहिए सोई बाती का प्रयोग लंबी बाती का प्रयोग हमें नित्य लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से और देवी देवताओं के लिए और पितरों के लिए कभी भी खड़ी बाती प्रयोग नहीं करना चाहिए जो गोल वाला खड़ा बाती है कभी नहीं सदैव उनको सोया हुआ बाती लंबी बाती ही प्रयोग करते हैं खड़ी बाती उग्र शक्तियों के लिए या फिर जब कभी भी हम प्रयोग कर रहे हो किसी मंत्र का तब करेंगे एक हम प्रयोग करके बजरंग बाण का भी दिखा देंगे आगे कैसे प्रयोग किया जाता है जय मां वाशिनी